हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। दी आई हैव वन क्वेश्चन। आई वॉच मैनी टाइम्स डायनामाइट हॉलीडे रिमेक्स, बट वाई शुगर इज मिसिंग? प्लीज दी रिप्लाई मी। लव यू, लव यू टू स्टार्ट। डायनामाइट की 40 परफॉर्मेंस हुई थी, जिसमें से शुगर 20 या 21 परफॉर्मेंस में नहीं थे। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेन इस डे पर शुगर का एक्सीडेंट हुआ था फूड डिलीवरी करते वक्त, उससे उनके कंधे पर चोट आई थी। और उस टाइम शुगर ने कंपनी को झूठ बोला था कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे। शुगर को लगा कि अगर कंपनी को सच बताएंगे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनके कंधे पर बुरी तरह चोट आई है, तो कंपनी उन्हें बाहर निकाल देगी। तो उस टाइम पर शुगर ने शोल्डर का प्रॉपर इलाज नहीं कराया था, और देखा जाए तो उस वक्त पे पैसे भी नहीं थे। शुगर इतने सालों से किसी तरह मैनेज कर रहे थे। शुगर ने अपने हाल ही के TVN को दिए इंटरव्यू में बताया कि वो 8 सालों से इंजेक्शन लगा के काम कर रहे हैं। वो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर तक उठा नहीं पाते हैं। इसके अलावा शुगर ने सर्जरी की मेन वजह बताई कि क्यों सर्जरी करनी ज़रूरी हो गई थी। शुगर ने कहा कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें पता चला कि सर्जरी ज़रूरी थी। हालांकि मैं किसी मेडिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहता था, लेकिन तब सब बदल गया जब मैं एक एड की शूटिंग कर रहा था। इसके लिए मुझे एक कैन पकड़ना था। मैं अपने लेफ्ट हैंड से साइडर की 500 ml की कैन नहीं पकड़ सका। बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा इस तरह मैं जीना जारी नहीं रख सकता। पिछले साल की शुरुआत से मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की। मेरे कंधे की हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने प्लीटस और कई और एक्सरसाइज ट्रीटमेंट भी आजमाई। जब मैं म्यूज़िक कॉन्सर्ट नहीं कर रहा होता हूँ तो ये ठीक होता है, लेकिन जब मैं कॉन्सर्ट करता हूँ तो इसकी हालत और ख़राब हो जाती है। मैंने फ़ैसला लेने से पहले बहुत सोचा। जब उम्र बढ़ती है तो पुरानी चोटें ज़्यादा तकलीफ़ देती है, इसलिए 2020 में शुगर की शोल्डर की सर्जरी हुई थी। इससे शुगर ने 3 महीने का ब्रेक लिया। 3 नवंबर 2020 को शुगर की सर्जरी हुई और 6 नवंबर को कंपनी ने आर्मी को नोटिस पोस्ट किया था कि शुगर ने अभी हाल ही में शोल्डर की सर्जरी करवाई है, इसलिए वो कुछ महीने आराम करेंगे। डायनामाइट सॉन्ग के अलावा शुगर ने काफ़ी रन एपिसोड, अवार्ड शो, लाइव, बहुत सारी चीज़ें और इवेंट थी जो मिस किए थे। फाइनली 21 नवंबर को शुगर लाइव आए। शुगर ने कहा कि अब दर्द बहुत कम हो गया है। सर्जरी के बाद पहले के 3 दिन सच में बहुत दर्दनाक थे। मैं ठीक से सो नहीं सका। मैं अब अच्छी नींद ले रहा हूँ और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सर्जरी के बावजूद भी शुगर लेफ्ट साइड से नहीं सो सकते हैं। उन्होंने अपने नाइट रूटीन में ये बताया था, या तो वो सीधा सोते हैं या राइट साइड से। लेफ़्ट साइड से सोने में उन्हें तकलीफ होती है। हालांकि शुगर अब भी बहुत बार अपने कंधे को टच करते हुए दिखाई देते हैं, पर जिस तरह से शुगर ने अपना वर्ल्ड टूर पूरा किया है उसको देखकर लगता है कि सर्जरी के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इस दौरान सबसे अच्छा ये देखकर लगा कि मेंबर ने शुगर की कमी नहीं होने दी। शुगर के लिए वो हमेशा एक स्पेशल जगह छोड़ते थे। रन एपिसोड में और लाइव में शुगर की फ़ोटोज़ थी। शुगर को कॉल करते थे। इट्स गुड। शुगर बहुत स्ट्रांग है। 8 सालों से हमेशा इंजेक्शन लेके काम करना, वो तभी शुगर कभी कभी ग्रैंडपा जैसे दिखते हैं। मतलब ज़्यादा समय वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते ना। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।